नेचुरोपैथी मीन्स नॉट नेचुरोपैथी। एक उल्लूपैथी के हॉस्पिटल से निकला, फिर नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जाके एडमिट कर दिया। नो, नेचुरोपैथी मीन्स द कन्वर्ट द पेशेंट इनटू ए गुड डॉक्टर। एक जितना खतरनाक बीमारी है, रोगी है, वो उतना उम्दा डॉक्टर बन सकता है। तुम्हारे पास एक मौका है इस विश्व को डॉक्टर देने के लिए। ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हो? लेट देम बी ए डॉक्टर। और हम इसी थीसिस पे काम किए, इसीलिए नहीं बढ़ पाए आगे। अगर हम भी नेचुरोपैथी खोल देते, नर्सिंग होम खोल देते, तो हम आज कहीं और होते। हम अकड़ू गुड़ू के चक्कर में पड़ गए। और मेरे ज्योतिषी गुरु भी यही कहते हैं, किसी को बेबी फीडिंग देने से अच्छा है उन्हें ज्योतिषी बनाओ, तब समाज बच सकता है। और ये गुरुकुल का कर्तव्य है। तो गुरुकुल मीन्स नॉट दैट की रेसिडेंशियल 10 साल 20, वो तो है 24 साल तक गुरुग्रह गमन संस्कार होता है, वो बच्चों के लिए है, तुम्हारे पास नहीं है मत करो। तुम गुरुकुल में 7 दिन तो पढ़ सकते हो, 7 दिन का शिविर तो अटेंड करो। जीवन पे ऐसे सोचो, 7 दिन का गुरुकुल क्या होता है। चलो मैं 7 दिन गुरुकुल पे आया, चलो मैं 7 महीना के लिए आया, 1 साल के लिए आया, 10 साल के लिए आया। तुम खुद आओ, साथ में 10 टीम बना के लाओ। अकेले हम आदमी कितना टीम खोजेंगे? कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, ध्यान का उठा लो, उपनिषद का उठा लो, वेदांत का उठा लो, साधना के ऊपर पढ़ाई नहीं अवेलेबल है। सारे भाषण टीवी में यूट्यूब में अवेलेबल है। भाषण करने मत आओ, साधना करने आओ। कि गुरुकुल पे हम उपनिषद ईसावास से साधना में आए, योग साधना पे आए, तंत्र साधना पे आए, मंत्र साधना पे, यंत्र साधना पे आए। कुछ भी उठाओ ना लाइफ का, छोटे छोटे शिविर। मेरा लाइफ इतना दिन गुरुकुल के लिए, फिर देख लो जिंदगी कैसा होता है। एक हैप्पी मोमेंट, एक लाइफ मोमेंट। और इसीलिए तो मैं अभी नया कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ। कल तक गुरुकुल के ऊपर काम किया, गुरुकुल स्कूल पे रिसर्च किया, गुरुकुल रेसिडेंशियल पे रिसर्च किया, ग्राम्य गुरुकुल पे रिसर्च किया। अब मेरा लाइफ टर्निंग क्या लिया है कि गुरुकुल ग्राम्य। कल तक क्या था? ग्राम्य गुरुकुल। गुरुकुल स्कूल क्या था? बच्चे आके पढ़ रहे थे। अब सेकेंडरी क्या हुआ? गुरुकुल रेसिडेंशियल के बच्चे रख के देखा जाए। वो सारे रिसर्च खत्म हो चुके। फिर ग्राम्य गुरुकुल पे काम किया कि गांव गांव में छोटे छोटे गुरुकुल खोले जाएं, ठीक। लेकिन ये तीनों एस्पेक्ट उतना ज्यादा स्ट्रांगली काम नहीं कर रहे, क्योंकि उनके गांव वालों को जरूरत नहीं। गांव वालों को अंडा खाने वाला स्कूल मिल रहा है, हमारे पास उतना क्यों कॉन्सेप्ट करें? वो उतना कॉन्शियस, उनका रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट नहीं किया है। लेकिन तुम जैसे कुछ व्यक्ति जो कोई राजीव दीक्षित को सुना है, कोई जीवन विद्या का ट्रेनिंग गया है, कोई गायत्री शक्तिपीठ से कनेक्टेड है, या और भी जो इस देश का ऐसे सुपुत को सुने हैं, उनके दिमाग में अभी ये बात कहीं ना कहीं घर कर रहा है कि हमारे बच्चे को गुरुकुल में दें। हम ये नौकरी वाला, ये जो गुलामी वाला जो जिंदगी है, मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनी पे अपने जीवन का महाशक्ति को बर्बाद करके देश का शत्रु बन रहे हैं, कंपनी और अमीर हो रहा है और हम और गरीब हो रहे हैं। और जब तक हमारे पास जवानी है, शक्ति है, युवापन है, हम नौकरी कर रहे हैं, जिस दिन ख़त्म हो गया हमको लात मार के भगा दे, या कोई बीमारी हो गया, या अपंग हो गया, एक्सीडेंट हो गए तो भगा दे। और जो ब्रेन ड्रेन, बॉडी ड्रेन चल रहा है कि ऑफिस में तो इनका टाइम है, आउट का कोई टाइम नहीं है, तो जो भयंकर टेंशन, तनाव, वर्कलोड दे के इनका जिंदगी को एक एटीएम मशीन बना दिया गया, एक पशु से भी हीन, वो हृदय रहित, संवेदना रहित व्यक्ति बना दिया गया, जो अपने माँ बाप को भी नहीं पूछता है। बाप मर जाए तो फोन करके आदमी को बोलता है जाओ जला के आ जाओ, इतना संवेदनाहीन है। माँ वहाँ अकेले है, उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसको नौकरी और पैसा इम्पोर्टेंट है। बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली पे पैसा इम्पोर्टेंट है, बिल्डिंग इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में फंसा हुआ है। तो कल जब वो मरेगा तो उसका बच्चा माँ बाप क्या करेंगे? तो इसलिए एक नया कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, गुरुकुल ग्राम। यानी तुम जैसे जो भी व्यक्ति विशेष हैं, लेट देम कम, आओ। क्योंकि बहुत से मेरे पास फोन करते हैं कि हम तो ऐसे चाहते हैं जीना, गुरुकुलीय जिंदगी, भारतीय जिंदगी, स्वावलंबन, स्वदेशी जिंदगी, जहां पर हमें शुद्ध देसी गाय मिले, देसी गाय का उत्पाद, दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री मिले, हमारे बच्चों को शुद्ध स्वदेशी भारतीय जंगल परंपरा का गुरुकुल मिले।
और जहां हम स्वावलंबी बने, ना कि किसी का नौकर चाकर बन के रोजगार करें, अपने पैर पे खड़ा होके हम स्वयं नौकरी कर सके, मतलब अपना रोजगार कर सकें, एक स्वाधीन इंडिपेंडेंट राजा जैसे जी सकें, ताकि हमारा विचार चिंतन मनन देश के कल्याण पे, समाज के कल्याण पे, अपने कल्याण पे, आत्मबोध ब्रह्म प्राप्ति ईश्वरीय तत्व पे लगे, ना कि हमारा दिमाग मन सब एक कंपनी कैसे ज़्यादा कमाएगा और हमें कैसे प्रमोशन मिल जाएगा और हमारे बॉस का चापलूसी करते करते तेल मारते मारते जिंदगी को बर्बाद कर दें। ऐसा मृत्यु से तो बहुत अच्छा है कि हम ऐसा कहीं एक छोटा सा भी जगह मिल जाए और हम स्ट्रगल करें। कुछ ये जीवन विद्या वाले कुछ जगह लेके नौकरी छोड़ के ये काम चालू किए हैं, लेकिन ये अकेले प्रोसेस में फेल खा रहा है। अभी सामूहिकता चाहिए। पकड़ लो 100 ऐसे पूरे भारतवर्ष से युवा जिन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैं कहता हूँ मेरे पास जमीन है आ जाओ, टेक्नोलॉजी है आ जाओ, मैं सारा फैसिलिटीज मुहैया करने के लिए तैयार हूँ आ जाओ। हाँ, बेसिक इन्वेस्टमेंट आपका रह सकता है, रह सकता है, एंड यू आर इंडिपेंडेंट, मुझे कुछ नहीं चाहिए बदले में। आपको कल लग जाए कि हाँ आचार्य संजय सही कर रहा है और उसके बदले इसको गुरुदक्षिणा देना है तो दे देना, नहीं तो मैं भिकमंगा नहीं हूं, एक भी मत दो, जाओ पूरा जमीन देता हूं, पूरा गुरुकुलीय घर मिट्टी का घर देता हूं, गुरुकुल का बच्चा देता हूं, तुम अपना बच्चा लेके आ जाओ, तुम खुद को लेके आ जाओ और इस कंसेप्ट पे काम करो कि तुम्हें भी गुरुकुल का आचार्य बनना है। ये केवल आचार्य संजय का बाप का प्रॉपर्टी नहीं है कि उसे गुरुकुल बनाना है और वो गुरुकुल का आचार्य बनेगा, नो, वो सारे दायित्व तो आप लोग लो और वो पूरे गांव बैठा हो, गुरुकुल ग्राम्य खुद बनाओ और अपना रूल रेगुलेशन इंडिपेंडेंटली खड़ा करो। मुझे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मुझे उससे रिटर्न एक रुपया नहीं चाहिए, बल्कि मैं अपना पूरा प्रॉपर्टी झोंकने के लिए तैयार हूं, खड़ा करो ना, देश के लिए इतना देने के लिए मैं तैयार हूं, टेक्नोलॉजी ज्ञान खड़ा होना, समस्या समाधान जो है सब देने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक प्लॉट दूंगा तो उसके बदले पैसा दे दो, नहीं कह रहा हूं, लो प्लेट, खड़ा करो घर, चालू करो। हाँ, ये कह सकते हो कि मैं, अगर मेरे ऊपर अविश्वास है तो मैं कह सकता हूं कोर्ट पेपर में लिख के दे सकता हूं कि मैं कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा जब तक तुम पूर्ण सफल नहीं होते हो, नहीं तो मेरा भी अधिकार है। हम लोग 400 में खेती में बोलते हैं बाड़ूंगा उपाड़ के फेंकना, मतलब खेती करने में जो खरपतवार है ना उसे उखाड़ के फेंकना पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में राजीव दीक्षित के नाम पे बहुत सारे ऐसे गंदे लोग भी ऑर्गेनाइजेशन पे घुस के ऑर्गेनाइजेशन को तहस नहस कर रहे हैं और उसके पीछे इंटरनेशनल षड्यंत्र है कि जहाँ जहाँ हम राजीव भाई के काम करने जाते हैं वहाँ एक दो ऐसे खुफिया एजेंसी को छोड़ दिया जाता है, वो भी, वो तो सबसे बड़ा राजीव भाई का भगत होता है, फुल खादी छाप, ऐसे दिखाएगा कि सच में राजीव भाई का तो सबसे क्लोज वही था, राजीव भाई का पूरे पागल फॉलोअर तो वही है, बाकी सब तो उससे नीचे है, और पूरे सिस्टम पे घुसता है, लीड करता है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को तहस नहस कर देता है। और इसका शिकार आज के डेट में भारतवर्ष में जो राजीव भाई का इतना बड़ा रिवोल्यूशन बनते बनते आ रहा था, आज खत्म के बराबर है। और वो ऑर्गेनाइजेशन उन जो अभी सोचो 8-10, 25-50 राजीव भाई के फॉलोअर्स, पेन फॉलोअर फेसबुक व्हाट्सएप के नाम पे मिले, कुछ करने लगे, कोई गौशाला खोला, मैं खुद मेरा कुछ चैनल पे देख लेना, मैं गया हूँ इनॉग्रेशन करने के लिए, मेरे को बुलाए, मैं वो ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किए, मिले उसी पे, उनसे उनको पास खबर है। और ऐसे कोई गद्दार को, ऐसा कोई तोड़ने वाला ध्वंस प्रलय बर्बाद महाप्रलय महाध्वंस महाबर्बाद वो ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं अंदर, वो आके खत्म। बना बनाया ऑर्गेनाइजेशन, बना बनाया अभी अचोटी का बना बनाया गौशाला, ध्वंस नहीं है। नागपुर पे भी ऐसे प्रोग्राम किए, नहीं है। तुम्हारे खड़गपुर पे भी ऐसे ही फैन पोलिस राजीव दीक्षित का बहुत बड़ा संगठन बना, नहीं है। आपस में ही लड़ा भिड़ा के ऐसा करके रख देते हैं। अच्छा, ये लोग जो आए जो राजीव भाई का फैन फॉलोअर्स ओरिजिनल हैं, हृदय बहुत पोलाइट है, अकल उतना नहीं है और उतना तिकड़मबाजी कूटनीति चक्रांत तो नहीं है,
सिंपल बिलीवर्स हैं, सामने जो नेता बन गया जी हाँ करने लग गए, फिर वही उनके अंदर ये जो तिकड़मबाज कंपनी भेजा था इनको नहीं पता कि ये कंपनी से आया है, ये तो पूरा स्वदेशी स्वदेशी कह के फुल विदेशी बना देता है। और पूरे इंडिया भर में ये काम चल रहा है, इतना बड़ा पैसा देकर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि आज राजीव दीक्षित का जो भी पौधा पुलप रहा था, ऐसा गुरुकुल, ऐसा गौशाला, ऐसा स्वदेशी स्वावलंबन उत्पाद केंद्र, मिट्टी वाला बहुत सारा औषधि जड़ी बूटी आज के डेट में नाम मात्र चल रहे, नाम मात्र चल रहे। तो हमारा समाधान क्या है? ऐसे स्पेशल गुरुकुल ग्राम खड़ा किया जाए और ऐसा फिक्स डायमेंशन पे रखा जाए और वहां सही हम जैसे जासूसों का नजर भी रहे कि ऐसा व्यक्ति कहीं घुसा तो उसका काम समाधान भी कर दिया जाए। गलत करें, इलीगल करें, ऐसा नहीं कह रहा हूं, शत्रुता नहीं, प्रेम का बात है, लेकिन उसको कृष्ण भगवान जैसे आई विजन पे रख के हटा के उसको पूरा पोषण दे, क्यों अब उसके लिए समाज से कटना पड़ेगा, तब समाज के अंदर रह के नहीं कर सकते हो, क्योंकि समाज वहां और हुक डालेगा। तो ऐसा जंगल स्थान हो, पानी का स्थान हो, ऐसा एटमोस्फियर हो, वो मैं प्रोवाइड करूं, मेरे पास इतना सारा जमीन है और टेक्नोलॉजी है और 33 ईयर से काम करते करते आ रहा हूं, और ईश्वर कृपा से राजीव दीक्षित के समय से जब कैसेट निकालते थे उनके साथ मिलके 92-93 आसपास ऐसा कुछ होगा, याद नहीं आ रहा है, वो कैसे ऑडियो टेप रील वाला कलकत्ता में रिकॉर्डिंग इस प्रकार के उसको कर करके डब्बा में बेच के बेचने का काम करते थे। तो वो दर्द वो कष्ट जो जानता है वो जानता है। तो ग्राम्य गुरुकुल के कंसेप्ट जो चल रहा है चलने देना, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम जो भी आज नेशनल लेवल जो बेचारे कर रहे हैं बहुत बढ़िया, साधुवाद धन्यवाद करो, हम देख चुके हैं 35-30-40 साल से गुरुकुल खड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ पीला पहन के चोटी लगा के पोंगा पंडित बना के गुरुकुल के नाम पे। अभी हमारे यहाँ जो गुरुकुल चल रहा है वो डेस वालों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके खाली और ड्राइव अकाउंट में उनका 6 या 7 करोड़ रुपया पड़ा है, खर्चा करने वाला आदमी नहीं, मारपीट हो रहा है सर आचार्य आचार्य हम ठीक है क्या करना है। तो देख चुका 30-32 साल से इन सबका नौटंकी, तो अब एक नया फील्ड पे काम करना पड़ेगा, और क्योंकि मेरे पास इतना साल का एक्सपीरियंस है तो ये बाकी जितने प्रोजेक्ट पे मैं काम किया लास्ट 32-33 साल पे, गुरुकुल स्कूल, गुरुकुल रेसिडेंशियल, गुरुकुल ग्राम में गुरुकुल, और ये सारे जो फील्ड पे काम किया, ये जो पास्ट मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये मुझे कहीं लग रहा है कि इफ ऐसा भारतवर्ष से 100 भी आ जाए, 100 लोग भी मिल जाएं गुरुकुल ग्राम का स्थापना करने के लिए, एक नया बस्ती, एक नया सोसाइटी, वो सोसाइटी किसे नहीं, शहर वाला सोसाइटी बिल्डिंग पे रहता है उसका बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो पूरे ग्रामीण तत्व पे रहना है, आपके पास जमीन रहेगा ताकि आप खेती कर सको, अपना खाने के लिए पहले निकालो फिर इकोनॉमिकल के लिए निकालना, वो उसके लिए जमीन सफिशियंट है, अभी 55 acres इज एनफ फॉर ए प्रोजेक्ट, ठीक है। और फिर मेरे को सहायता करने वाले और भी बहुत सारे हैं जो लोग अपना करीब करीब 150-200 acres जमीन तैयार है देने के लिए, और पास में पूरे नेचुरल जंगल है, डीप जंगल फॉरेस्ट है, और उसमें तो और ज़्यादा चैलेंज भी रहेगा, तो हम लोग उसमें समाधान कर सकते हैं। और इसमें जो भी मेरे पार्टनर्स आएंगे, जो गुरुकुल पे गुरुकुल ग्राम पे रहने के लिए आएंगे, उनका जो भी इन्वेस्टमेंट है सुरक्षित रहेगा, इसका गारंटी मेरा है, उनको लॉस होने नहीं दूंगा। इनकेस अगर वो अपना घर पे खर्चा करते हैं तो हम जब घर बनाएंगे तो लो कॉस्ट घर बनाएंगे ना, अब हम भी मार्बल मोजाइक और एसी और सब लगाने लगे फिर वो कहाँ का बन गया ग्राम गुरुकुल, या गुरुकुल ग्राम कहाँ बन गया, लो कॉस्ट में घर बन जाता है 50-60 हज़ार 20 हज़ार 10 हज़ार के अंदर बन जाता है, और मिट्टी का अगर खुद बना लिया तो फ्री का हो गया, मिट्टी का वॉल मिट्टी का फ्लोर बना लिया, रह के देखो उसका एनर्जी क्या है, मजा क्या है, फ्री में हो गया,
खेती है कर लो, कहाँ इन्वेस्टमेंट है। शर्त है कि तुम्हारे अंदर वो गट्स ताकत होना चाहिए कि मैं अपने बच्चा का लाइफ आज के समाज के अनुसार बर्बाद कर सकूं, और उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होना चाहिए। कल मेरे को दोष नहीं देना, मेरे को दोष नहीं देना, तू वेलकम कि तुम तुम्हारा बच्चा का लाइफ आज के सोसाइटी के अनुसार डॉक्टर इंजीनियर और क्या आईआईएम क्या 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 है वो सारे कंप्यूटर पढ़ा के उनको नौकर चाकर बीमार बेकार गद्दार हैवान बेमान शैतान जिते पढ़ा सते बड़ा एजुकेटेड इडियट वो नहीं बना रहे हो। उनको शुद्ध भारतीय चाणक्य चंद्रगुप्त वाले पद्धति पे ले रहे हो, उनको शिवाजी गुरु रामदास पद्धति पे ले रहे हो, उन बच्चों को तैयार कर रहे हो आगामी समय पे भारत के लिए एक महान क्रांति। उन बच्चों को तुम अपने पास गुरुकुल पे रख के तुम खुद आचार्य बन रहे हो। तुम्हारे पास जितना कैपेसिटी है वो उसके लिए हम गुरुकुल आचार्य का प्रशिक्षण करा के तुम्हें उसके लिए सुइटेबल कर देंगे। 100 शिष्य 100 छात्र पे 100 आचार्य हो गया और क्या हो गया। उसमें से कोई खेती साइड देखेगा, कोई गौशाला साइड देखेगा, कोई शुद्ध तुम्हारे बच्चों को शुद्ध देसी गाय का दूध दही घी मक्खन मिश्री खिलाएगा, ऑर्गेनिक प्राकृतिक बिना केमिकल वाला खाद का उत्पन्न अनाज सब्जी का ड्यूटी संभालेगा। उनमें से जो ज्ञानी होंगे जो जुपिटेरियन होंगे बृहस्पति वाले होंगे वो या जो बेनसियस होंगे सटनियस होंगे वो आचार्य बनेंगे। बच्चों को उसी हिसाब में कोई किसी को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग किसी को घुड़सवारी का ट्रेनिंग और जो भी बाकी गुरुकुल में जैसे हम लोग करते करते आए हैं। और तुम्हारे पास तो ऑलरेडी फूक उगल रहा है आग देश के आज का स्थिति का और समस्या के लिए, तो तुम्हारा आग तुम्हारे बच्चों के अंदर डाल दोगे आगे चल के और वो बीज संस्कार हो जाएंगे, वो जो बीज थे वो महाद्रुम पे परिवर्तन हो जाएंगे। और एक गुरुकुल सक्सेस हो गए तो सोचो दूध दही घी मक्खन मिश्री ऑर्गेनिक प्राकृतिक सब्जी अनाज दिलहन तिलहन का कोई कमी हो जाएगा, भरपूर होगा। एक स्वयं स्वावलंबी स्वरोजगारी स्वदेशी उत्तम आहार प्राप्त उत्तम जीवन जापन एक सुंदर वातावरण। जब सोचो 100 के 100 पिता सुबह उठ के सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो, 100 के 100 परिवार एक साथ अग्निहोत्र कर रहे हो, 100 के 100 परिवार बच्चों के साथ बैठ के ध्यान कर रहे हो ओम कर रहे हो। इमेजिन करो अग्निहोत्र का धुआं उड़ रहा है उस गुरुकुल ग्राम से, हवन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहे हैं। 100 के 100 माता पिता और बच्चे मिलके 500-700 हो गए एक साथ होम हवन ओम का चांटिंग वेद मंत्र का ऋचाएं वो वाइब्रेशंस वो साधनाएं और शुद्ध देसी का अनाज दूध दही घी मक्खन मिश्री एक जगह पे जब ऐसे कंडीशन बनेगा और उसका साधना का ऊर्जा और उसको देखने के लिए पूरे विश्व का दृष्टि वहां आ जाएगा। अभी तो तुम सोच रहे हो कि मेरा बच्चा को अमुक बढ़िया रिनाउंड गुरुकुल में दे दिया ड्यूटी ओवर हो गया। अरे महात्मा राम को पैदा करना है तो दशरथ बनना पड़ेगा। अब ये नहीं बोलना दशरथ का 3 बीवी था हमारा तो एक सर ये नहीं कहना ठीक है वो बात नहीं है। तो दशरथ बनना पड़े, दशरथ का बहुत बड़ा कंसेप्ट है पढ़ना है। दशरथ छोटा मोटा आदमी नहीं थे, शनि के साथ लड़ने के लिए अपने रथ लेके रोहिणी नक्षत्र तक पहुंच गया था। आज तो हम लोग अपने रॉकेट से चंद्रमा तक जाके आने में परेशान है। उस समय चंद्रमा चंद्र मंडल भेद करके नक्षत्र मंडल पहुंच गया रे बाबू। फिर रोहिणी सबसे जो मतलब जिसमें कृष्ण या किसका जन्म हुआ था, क्योंकि वहाँ शनिदेव आते हैं तो बहुत सारे समस्या विश्व में होता है सुख अकाल युद्ध। यहाँ मेरा जो बेस लाइन है कि वो अगर तुम्हें समझ पे आ रहा है तो तुम अपने लेवल पे जो भी व्हाट्सएप फेसबुक जो भी है जहाँ तक लोगों तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, ऐसे ग्रुप को खड़ा करो। और ऐसे मेरे पास ही हो बोल के नहीं कह रहा हूँ, आपके पास है तो हो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कभी भी बुलाओ मेरे मुझे, आई एम रेडी, मैं पूरा सिस्टम ड्राइव करने के लिए तैयार हूँ।
ऐसे समभावी सम विचार वाले अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा भी विचार है और उनको रास्ता नहीं मिल रहा, और जो राजीव भाई के बाद उनके देहांत के बाद, स्वर्गवास के बाद जो ग्रुप हुए, बहुत बड़े बड़े ग्रुप इकट्ठे हुए, लेकिन और बहुत बड़े तौर पे काम चला, अरे इतना इमोशनली बह गया कि लोग अपना सब बेच के नौकरी छोड़ के सारा पैसा दे दिया उस संगठन को। बहुत से आज रो रो के मेरे से बात करते हैं, बड़े बड़े पर्सनालिटी राजीव भाई के फैन फॉलोअर्स, क्योंकि मरे तो बात और ज़्यादा फैला। अभी ना वो तो बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत इसको ठंडा कर दिया गया, इतना सारा पैसा दिए। उस समय एक ही पॉइंट था कि उन्हें, मैं जब जाता था, मेरे को जब बुलाते थे, मेरे को बहुत सारे संगठन बुलाए, मतलब भिन्न भिन्न जगह पे जो राजीव भाई के संगठन बने, जिनको जिनको मेरे बारे में पता चला, मैं गया। उनका यही प्रॉब्लम था, हमें करना क्या है, हम शुरू कहाँ से करें, हम किसे फॉलो करें। अब उनको खाली लगा कि भाषण, जैसे राजीव भाई भाषण मारते मारते गए, हम भी भाषण मारेंगे तो हो जाए। धरातल पे प्रैक्टिकल करने वाला कोई नहीं था, और जो कुछ करने वाले थे बहुत मुट्ठी भर थे। अब उनको जो ग्रुप लीडिंग करने वाला था, वो जो लीड करने वाला था, उसे भी लगा कि ये बड़ा आसान काम है, लेकिन वो लीडिंग के पीछे, पीठ पीछे जो जयचंद जैसे धोखेबाज, वो बंगर नवाज को कौन मारा था, सिराजुद्दौला या क्या, जो बंग का नवाब को पीछे से छुरी मार दिया, राजा बनेगा बोल के अंग्रेज लोग उसको बोल दिया। पीछे से छुरी नहीं मारा, वो ये मिर्जाफर ऐसा जो भी, वो दूसरा चीज, दूसरा चीज है, चलो अगर नहीं जानता हूं तो अलग बात है। तो ये इनके पीछ पीठ पीछे जो षड्यंत्र करने वाले थे, जो कुचक्री थे, जो षड्यंत्री थे, ये इनको पकड़ नहीं पाए, ट्रैप नहीं कर पाए, उल्टा वो उनको ट्रैप में डाल दिए। और तब तक इनके अंदर वो संगठन के भीड़ का अहंकार, कर्म का अहंकार इतना बढ़ा था कि उस समय हम जैसे लोगों को दोबारा उनको लेना है और ध्यान दे नहीं पाए, टाइम भी नहीं मिला, उनका संगठन तहस-नहस हो गया। और अभी जो ले दे के बचे हैं, अब वो जोश नहीं है, और बेच रहे हैं ऐसा कोई मिट्टी का पत्र, अब वो मिट्टी पात्र बेचते बेचते वो पर्सनल कंपनी खोल लिया, घूम घूम के मिट्टी पात्र बेच रहा है, दवाई बनाते बनाते अपना पर्सनल कंपनी खोल लिया, वो राजीव भाई के नाम पे बेच रहा है। फिर उनके अंदर झगड़ा हो गया तो राजीव भाई का नाम हटा दिया, कोई बोलता है मैं दायद हूँ, कोई बोलता है मैं भाई हूँ, कोई बोलता है मैं भतीजा हूँ, चला रहा कहना था। ये मतलब ये बीच में सुना था उसका जो भाई है राजीव भाई के।